मंच पर आसीन सब आदरणीय महानुभावगण, इस सम्मेलन में भारत के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे भाई और बहनों, राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में कल से चर्चा हो रही है और उसी के आलोक में हमने प्रस्ताव भी पास किया। प्रस्ताव में एक बात जब आई तो उसमें माओवादी का जिक्र था और उसमें सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से उन पर विचार करते हुए दो शब्द उसमें जोड़ा गया है, इंटीग्रेटेड एंड साइकोलॉजिकल अप्रोच। परंतु ये कौन करेगा? सरकार के भरोसे कुछ होना नहीं है। सरकार के काम करने के तरीके जो ब्रिटिश टाइम में रहा है, आज भी उसी तरह से सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी या जो भी सरकार के खजाना में से जो भी वेतन के रूप में पैसा लेते हैं वे सभी जनता के सेवक हैं। उसमें सभी सरकारी कर्मचारी और सभी जनप्रतिनिधि भी जनता के सेवक हैं। तो क्या आज जो जनता के सेवक कहलाने वाले जनता के सेवक के रूप में दिखाई दे रहे हैं क्या? इसका भी हमको विचार करना चाहिए। और सरकारी कर्मचारी तो खैर अपने आज भी अपने को कहते हैं कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, यानी सरकारी नौकर हैं, जनता का सेवक नहीं। इस मानसिकता से देश आज चल रहा है और आज जितने भी गड़बड़ियां इस देश में हो रही हैं उसका दो ही कारण है। आजादी के बाद सभी लोगों को जनता का सेवक रूप में अपने को मानकर और जनता के सेवा के जो सुविधाएं सरकार की ओर से प्राप्त हैं उसका जनता की सेवा में उसको अधिक से अधिक प्रयोग करते हुए समाज का काम करना चाहिए। आज नहीं हो रहा है। ये मूल कारण, सभी रोगों का मूल कारण ये। और जब सभी लोग जनता के सेवक में सभी लोग काम करने जिस दिन लगेंगे, ये जनता और सरकार और जनप्रतिनिधि का जो अंतर दिखाई देता है वो समाप्त हो जाएगा। ये समाप्त होना चाहिए। इस पर भी कभी कभी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए जो हमने जो दो शब्द कहा है कि इसको इस ढंग से माओवादियों के बीच में जाकर हमको काम करना चाहिए ताकि उनके मन को, उनके विश्वास को हम जीतें। और अगर उसमें से कुछ भटके हुए लोग हैं, जैसे रविशंकर जी ने कहा कि सुधर जाएं तो अच्छा है, नहीं सुधारने वालों के लिए तो कानून है ही, क्योंकि दुनिया में या तो धरती पर जो भी जन्म लेता है वो कानून से बड़ा नहीं होता। और इसका हम लोगों ने थोड़ा सा, हम चूंकि बराबर हम कहते हैं कि हम राजनीति नहीं करते, राजनीति से हमारा कोई बहुत अच्छा संबंध भीतर से नहीं लगता है, क्योंकि आज की राजनीति में दो चीज है, जो अधिक से अधिक झूठ बोल सके और अधिक से अधिक वादा खिलाफी करे वही नेता हो सकता, वही राजनीतिज्ञ है। हम इस बात विश्वास नहीं करते हैं। और हमने अभी तक जितना दिन, अभी 40-42 साल हो रहा है, राजनीति को जन सेवा के लिए अधिक से अधिक जितना उसका उपयोग हो सकता है इसका अभी तक मैंने यही किया है। और कई प्रयोग हमने किया है। एक माओवादी क्षेत्र था जहां कोई भी आदमी, सामान्य आदमी जाता नहीं था,
और अनजान आदमी गया तो उस क्षेत्र में वहां के लोग बंदूक से ही स्वागत करते थे, बंदूक निकाल के ही बात करते थे, ऐसे खाली हाथ नहीं। अब कौन है, क्या करने आया है, क्या चाहते हैं। उस क्षेत्र में जब हमारे लोग गए थे तो उसी तरह से लोग स्वागत किया। थोड़ा बहुत बाद में समझाने बुझाने के बाद थोड़ा सा सामान्य हुआ तो उन लोगों ने कहा, उनसे बातचीत किया और उनको कहा कि तुम्हारे क्षेत्र में स्कूल खोलना चाहते हैं, तुम स्कूल चलाओ, क्योंकि उसमें से बहुत से लड़के ग्रेजुएट थे जो बंदूक उठाने वाले, बहुत से लड़के एमए किया हुआ था, काम नहीं, कोई पूछता नहीं, नाराज होके बंदूक उठा लिए। और जब हमने शुरू किया तो आज उस क्षेत्र से जितने भी बंदूक उठाने वाले लड़के थे सभी हम लोग के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे। उस क्षेत्र से समाप्त हो गया और थोड़े बहुत लड़के बचे हैं अगल बगल के, वो जब मुलाकात होती है तो बोलता है कि हम लोग अब छोड़ देंगे, आप लोग के साथ मिलकर जो आप लोगों ने काम शुरू किया है उसमें हम लोग मदद करेंगे। तो साइकोलॉजिकल जो अप्रोच यही हो सकता है, उनकी जरूरत, उनकी समस्या और उनके पास जो क्षमता है उसी क्षमता के आधार पर उस समस्याओं को समाधान करने के दृष्टिकोण से कोई योजना बनाकर काम करना, वो पशु थोपने से नहीं होगा। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए और ये काम सरकार नहीं कर सकती, ये काम जो गैर सरकारी संस्था या जो साधु महात्मा है जो शुद्ध रूप से समाज के संबंध में चिंता और चिंतन करने वाले हैं यही लोग कर सकते हैं।